हेलो गाइस मैं स्वाति और मैंने अभी एक मूवी देखी द माउंटेन बिटवीन अस और ये इसके ट्रेलर से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी रोमांटिक थी सर्वाइवल बेस्ड मूवी थी और बहुत बड़े स्टार्स थे इसमें केट ट्रिंसलेटन इद्रिस सेल्बा तो मैंने सोचा ये मूवी देखी जाए एंड मैंने ये मूवी स्टार्ट करी इट वॉज अ नाइस मूवी बट एंड वॉज बेट टी एक्चुअली uh, क्या था कि uh, इस मूवी में होता है कि uh, ये दोनों uh, जो होते हैं बेन एलेक्स बहुत कॉमन से नेम रखे गए हैं बेन एलेक्स uh, ये अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं बट uh, इनको फ़्लाइट नहीं मिल रही होती है जिसकी वजह से ये दोनों साथ में एक प्लेन शेयर करते हैं uh, चार्टेड प्लेन शेयर करते हैं और uh, रास्ते में इनके uh, जो पायलट uh, होते हैं उनको स्ट्रोक पड़ जाता है और ये दोनों बीच माउंटेन्स में जो स्नो कवर्ड माउंटेंस होते हैं दूर दूर तक कोई नहीं होता है वहाँ पर इन uh, एक्सीडेंट हो जाता है और ये गिर जाते हैं बाय गॉड्स ग्रेस ये दोनों बच जाते हैं तभी स्टोरी आगे बढ़ेगी और इनके साथ वो जो पायलट होते हैं उनका एक कुत्ता होता है डॉग होता है वो भी बच जाता है और सो एलेक्स बेन और वो डॉग वहाँ पर uh, रहते हैं और जो एलेक्स होती हैं वो केट पेंसलेट होती हैं और वो एक फोटो जर्नलिस्ट होती हैं एंड जो बेन होते हैं वो एक न्यूरो सर्जन होते हैं डॉक्टर तो ये तीनों वहाँ पर फंस गए होते हैं प्लेन बीच से टूट गया होता है और उसकी उनकी पायलट की तो डेथ हो ही गई होती है फिर एकदम से थोड़ी देर बाद हमें तुरंत पता चलता है अब इसमें जो सीन्स हैं जो व्यूज़ हैं व्यू हैं वो बहुत सुंदर हैं बहुत ब्यूटिफुल हैं और जो एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं बट जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है और जो जहाँ पर उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किए हैं वो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत लाइट से हैं क्योंकि उनको उतना परेशान नहीं दिखाया गया जिस तरीके से ये एक सर्वाइवल मूवी है तो उसमें ऐसे नहीं दिखाया गया कि बहुत परेशान है बहुत फंसे हुए हैं या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि और टाइम तो इसमें ऐसे पास होता है एक्चुअली टाइम कुछ ऐसी दिखाई नहीं है बस जो एलेक्स हैं वो बार बार बताती हैं तीन दिन हो गए हैं फिर थोड़े दिन बताती हैं कि अब थ्री वीक्स हो गए हैं और इस तरीके से दिखाती हैं अच्छा मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी हैं सर्वाइवल वाली उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को खाने को नहीं मिलता है और बहुत सारी एक्सट्रीम चीज़ें उनको आ, कहीं कहीं पर तो कैनबल करना पड़ता है या बहुत सारी चीज़ें लेकिन इस मूवी को इतना लाइट दिखाया गया है आ, जो है खाना उनको बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और साथ ही साथ एक उनको बस आपस में कंपेर टेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है थोड़ी देर देर में और बहुत सारा इजी गोइंग चीज़ें दिखाई गई हैं प्लस पॉइंट ये है कि एक्टर्स दोनों बहुत अच्छे लगे हैं एंड उन्होंने अपने कैरेक्टर को उतने डेप्थ से नहीं हाँ लेकिन बहुत अच्छे से जैसे डायरेक्टर ने दिखाना चाहा उस तरीके से शायद प्रेजेंट किया है और जो सीन्स वगैरह हैं वो बहुत सुंदर हैं डॉग जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी नी डीप स्नो में आराम से चलता जा रहा था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और एंड में इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जब ये सरवाइव भी आ, कर जाते हैं तब इनकी लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और एंड में जो है केट ट्वेंसलैंड <laughs> क्योंकि एक मैच्योर लेडी हैं एक, 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 एक सक्सेसफुल फोटो जर्नलिस्ट हैं फिर भी थोड़ा सा जैसे चेटफ्लिक्स में होता है या फिर जो टीन मूवीज़ होती हैं उसमें होता है इस तरीके का दिखाया है जो बहुत ऑब्वियस है और बहुत बार देखा हुआ है तो कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं था और जो था वो बहुत ऑब्वियस था तो ठीक है मैं मान सकती हूँ कि ये कोई थ्रिलर मूवी नहीं है कोई सस्पेंस मूवी नहीं है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप थोड़ा डेप्थ दिखा सकते हैं चीज़ों में थोड़ा उसको गंभीर बना सकते हैं बट इन द एंड वो बहुत ही लाइट हो जाती है और बहुत स्कैटर्ड हो जाती है सो इट्स ये उनके लिए मैं बोलूँगी जो इस समय जिनका रोमांटिक फेस चल रहा है उनको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी और या फिर जिन्होंने डिज़ास्टर मूवीज़ बहुत सारी नहीं देखी हैं मतलब इस तरीके की जो सर्वाइवल मूवीज़ हैं बहुत सारी नहीं देखी हैं उनके लिए अगर ये मूवी होती है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड तो बहुत इन्जॉय करेंगे उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा लेकिन जो लोग बहुत टाइम से इस तरीके की मूवीज़ देखते हैं सर्वाइवल की जैसे डे आफ्टर टू मोर टू थाउजेंड ट्वेल्व एन मैनी मो मूवी आई विल सजेस्ट यू इन दैन तो इस तरीके की मूवी अगर आप देख रहे हैं पहले से तो आप इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा देखने को और रोमांटिक मूवीज़ भी अगर आप देख प्रेफर करते हैं देखना और बहुत ज़्यादा देख देख चुके हैं मूवीज़ तो इसमें आपको कुछ नया रोमांस इसमें भी नहीं मिलेगा उसमें भी वो डेप्थ नहीं मिलेगी uh, तो अगर आप बहुत टाइम से मूवी देख रहे हैं काफ़ी मूवी देख चुके हैं इस टाइप की इस जॉनरे की तो यू विल नथिंग देर इज़ नथिंग फॉर यू इन दिस मूवी यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग न्यू इन दिस मूवी अगर आप न्यू भी हैं और आप कुछ कुछ मूवी ही देखते हैं इस तरीके की तो आपको ये मूवी न्यू लगेगी रिफ्रेशिंग लगेगी और अच्छी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी ओके दैट्स एट फ्रॉम माई साइड